खेल बन गई है ये जिंदगानी। पापा क्या कर रही है मेरी बेटी? कुछ नहीं पापा। परेशान तो नहीं? किस बात पर? सारम की फैमिली ने अचानक आने का प्रोग्राम डिले कर दिया है। वैसे अच्छा तो नहीं लगा मुझे। पापा वो सादान भाई ने कहीं जाना था ना, मजबूरी थी उनकी। हाँ तो ठीक है, फिर कमिटमेंट की थी। मेरे ख्याल से आंटी ने भाई से पूछे बगैर कमिट कर लिया था। देखो टीना बेटा, मैंने तुम्हारी मम्मा से कह दिया है कि सारम की तरफ से मैं मुतमईन नहीं। पर पापा आप तो सारम से मिले भी नहीं हैं। उसके बारे में मैं इतना कुछ जान चुका हूँ कि उससे मिलने की मेरी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। दिस इज नॉट फेयर पापा। आप जिसे जानते भी नहीं, आप उसके बारे में ऐसा गलत इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं? और जिसके बारे में आप नहीं जानते उसके बारे में अच्छा इमेज क्रिएट करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। पापा प्लीज, मैं सारम के बारे में आपसे कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहती। जिसके बारे में हमें श्योरिटी होती है, हमें एतबार होता है, उसके बारे में आर्गुमेंट करने में घबराते नहीं बेटा। एनीवेज मुलाकात तो हो ही जाएगी। अच्छा ये बताओ, डिनर कहीं बाहर करें? रियली? अच्छा मुझे 5 मिनट तैयार होकर आओ। आप लोग आज जा नहीं रहे? एक्चुअली टीना के पापा हैं नहीं पाकिस्तान में, जब वो वापस आएंगे तो फिर हम जाएंगे। क्या हुआ, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। डोंट वरी, बहुत एक्साइटेड है टीना के लिए। ओके। अच्छा एक काम करते, मैं जब ऑफिस से वापस आऊंगा तो फिर हम डिनर पे चलते। ओके ओके। अब आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, समन के आगे मैं बात नहीं करना चाह रहा था, बहुत फिक्रमंद हूं मैं उसके बारे में, अजीब सी कैफियत होती जा रही है उसकी। एहसास है मुझे। डॉक्टर क्या कहती है, ऐसी कंडीशन क्यों है उसकी? डॉक्टर कहती है कि हल है, समन किसी बात की टेंशन ना ले। उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई दवा असर ही नहीं कर रही। अब उसकी कंडीशन ऐसे है कि हैवी डोजेज दे नहीं सकते, अगर वो प्रेग्नेंट ना होती तो दवाई एडजस्ट कर देते। तो उसे कहो कोई एंटी डिप्रेसेंट दे दे उसे। नहीं बाबा, उसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। खुदा खैर करे। यही है कि मैं कोशिश करता हूँ उसे किसी बात की टेंशन ना हो। बेटा मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकवा नहीं, बस उसे कभी कभार बाहर ले जाया करो, खुश रहती है तुम्हारे साथ। जी मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। ठीक, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं मामा, ये पिक्चर देखें, सारिम कितना हैंडसम लग रहा है ना, और इसकी स्माइल तो चेक करें, he's so full of energy. हाँ बहुत अच्छी पिक्चर है. अच्छा तुम्हारे पापा की कॉल आई थी, वो सारिम से मिलना चाह रहे हैं. खैरियत? अभी वो सोच रहे होंगे कि सारिम के भाई को आने में तो कुछ दिन लगेंगे, तो सारिम से ही मिलें. रियली? ठीक है मैं उसे कह देती हूँ. और तुम्हारे पापा कह रहे थे कि उसे आज शाम चाय पे बुला दो, वो भी जल्दी आ जाएंगे. क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जब एक साथ इस घर में रहना कबूल है तो क्यों भागती हो मुझसे? तुम्हारे साथ एक घर में रहना तो मुझे कभी मर के भी कबूल नहीं हो सकता. फिर इन मेहरबानियों की वजह? पहले मुझे घर लेकर आए, फिर झूठ बोला भाई से कि जमान ने मुझे माफ कर दिया, फिर भाई के कान भी नहीं भरे टीना के खिलाफ. तो मैं तो यही समझूंगा कि शायद तुम मुझसे बहुत डरती हो, कि इतनी जल्दी तुमने अपने हथियार डाल दिए. तुमसे नहीं डरती एक्चुअली, उस दुख से डरती हूँ जो आंटी और सादान को तुम्हारा अंजाम देख कर हूँ. अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मुझे बताओ क्या मुझे टीना से शादी करनी चाहिए? पता है मुझे टीना तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम उसे डिजर्व नहीं करते, क्योंकि अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुमने कभी उससे मर के भी शादी नहीं करी. बड़े अंदाजे लगा रही हो मेरे बारे में, खैरियत तो है? मुझे तो पूरा यकीन है कि टीना के पापा का यहाँ ना होना भी एक झूठ ही है. एक्चुअली तुम चाहते ही नहीं हो कि सादान और आंटी उसके घर रिश्ता लेकर जाए ना. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, टीना ने मॉम को खुद फोन करके बताया था, मैंने कोई झूठ नहीं बोला. टीना तो वही कहेगी और वही करेगी जो तुम उसे कहोगे, मुझसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है. अभी तो उसने कुछ भी नहीं कहा. तुम्हारे और फारिस के किस्से की हर एक डिटेल पता है उसे. बस हाय. हाय. कहाँ हो कहाँ तुम? मैं तो सोच रहा था घर आओगी. वो किस लिए? भूल गई, एक टास्क लिया तुमने अपने जिम्मे. सब याद है यार, जल्दी करो जो करना है, इस अजाब से जान छुड़ाओ मेरी. हाँ ना बाबा, डोंट वरी, लेकिन फिलहाल तो शाम को तुम मेरी तरफ आ रहे हो. क्यों? पापा ने बुलाया है, मिलना जा रहे हैं वो तुमसे. टीना आज पॉसिबल नहीं है, आज एक दोस्त की पार्टी पे जाना है. क्या मतलब? सारे तुम्हारे लिए तुम्हारी दोस्त की पार्टी ज्यादा अहम है क्या? पापा ने तुम्हें इनवाइट किया है और तुम इनकार कर रहे हो. आखिर तुम चाहते क्या हो? जो बात करो आगे से तुम इनकार करते हो, क्यों? रिलैक्स यार, क्या हो गया? सारिम, आई हेट योर एक्सक्यूजेस. तुम पापा से मिलने के बाद भी तो जा सकते हो ना अपने दोस्त की तरफ. लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए इतनी अहम ही कब हो. अच्छा बस कर दो, बस कर दो, आ जाऊंगा मिल लेता हूँ. ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, और प्लीज मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करवाना. ओके बाय. अब इसका बाप क्यों मिलना चाहता है? ये तो अलिश्पा से भी बड़ा अजाब लग रही है मुझे. सच सच बताओ कि आज अपनी मर्जी से लेके आए हो या मामू के फोर्स करने पे? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें बाहर लेकर नहीं आता. नहीं बस इस बार काफी ऐसे बात लेके आई हूँ. चलो आई एम सॉरी, आईने डिले नहीं. वैसे तुम फरमाइश भी तो नहीं करती. किस वो से करूं? जब भी दिल करता है तो सोचती हूँ कि अगर कुछ कहूंगी तो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस की इतनी बड़ी लिस्ट तो मेरे सामने रखो. नाइस प्लेस, वहां बैठ के. अरिशबा, मैं अपना फोन गाड़ी में भूला है, तुम प्लीज बैठो मैं लेके आता हूँ. Thank you.
क्या हो गया सर? कैसी है समय? कैसी हो सकती है? तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हमारा? चाहती क्या हो हमसे? क्या हुआ समन? हाय। पारिस का पीछा करना छोड़ दो, जीने दो हमें। समन यहां से चलो। I'm extremely sorry यार, she's not well. Excuse me? हाँ साथ में ये भी कह दो ना कि मैं पागल हूँ और बता दो कि मेरे पागलपन की वजह ये है। समन यहाँ सब देख रहे हैं, तमाशा मत बनाओ, चलो। क्या कर रही थी वो यहाँ? उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, शोर साथ कहीं भी जा सकती है। अच्छा, तो उसको पता कैसे चला कि हम आए थे? तुम्हें लगता है मैंने उसको यहाँ बुलाया? अगर इत्तेफाक था तो बहुत हसीन इत्तेफाक था। चुप करो यार, बैठो। बहुत जल्दी आ गए तुम। सलाम अलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम। ऐसा क्या हुआ? और समय ने अलिशबा को बहुत बेइज्जत की। अलिशबा कहाँ मिल गई तुम लोगों को? वो सादान के साथ वहां आई हुई थी। सादान भी पता नहीं क्या सोचता होगा। ये सब कुछ सादान के सामने हुआ? जी। अलिशबा और सादान दोनों बहुत हैरान थे कि समन इस तरह एक्ट क्यों कर रही है। देखो बेटा, अब समन से बहस मत करना। बाबा मैं क्यों बहस करूंगा, ये पागल हो चुकी है। इसे लगता है कि मैं और अलिशबा मिलकर प्लान करके इस रेस्टोरेंट पर गए। इतनी घटिया सोच है इसकी। बेटा मैंने तो तुम दोनों को इस वजह से भेजा था कि वो खुश हो जाएगी। बाबा ना वो खुश हो सकती है और ना किसी को होने दे। जब तुम जानते हो कि तुम्हारी बात का कोई फायदा नहीं है तो उलझने से क्या फायदा? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अलिशबा सादान के सामने इस मामले को कैसे हैंडल करेगी। तुम समन की सोचो, अलिशबा अपने मामले को खुद हैंडल कर लेगी। बाबा मैं इतना सेल्फिश नहीं, मेरी वजह से कोई मुश्किल में हो और मैं उसके बारे में सोचूंगी। बात हेलो स्वीट हार्ट, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं, काफी। पापा कब से वेट कर रहे हैं? अरे मैंने तुम्हें बताया तो था कि उनसे कह देना थोड़ा लेट हो जाऊंगा। हाँ मैंने उन्हें बता दिया था। अच्छा आओ। क्या हुआ, आओ ना। इतना ठंडा वेलकम, पहली बार तुम्हारे पापा से मिलने आ रहा हूँ, एक स्माइल तो दे दो। खुश चले? That's much better. तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के तुम्हारे अब्बा को ये तो लगे कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हुआ। मुंह ठीक करना तो तुम्हें खूब आता है। चले अब। चलो। पापा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे जेंटलमैन? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शौक था आपसे मिलने का, फाइनली मुलाकात हो गई। मुझे भी बहुत शौक था तुमसे मिलने का, इसीलिए सोचा आज मिल लेते। थैंक यू सर। बैठो। पापा मामा कहाँ है? उनकी फ्रेंड की कॉल आई थी, उनको बता भी दो और चाय भी रखवा दो। ठीक। बहुत देर कर दी आने में। बस अंकल क्या बताऊं, कुछ मसरूफियत ही ऐसी थी। मैंने टीना को बताया था। हाँ बताया था उसने मुझे, मैंने सोचा शायद तुम आने से अवॉइड कर रहे हो। अवॉइड?
अंकल मैं भला आपको मिलना अवॉइड क्यों करूंगा? कब आ रहे हैं तुम्हारे भाई सब वापस? नेक्स्ट वीक, बस वो आ जाए तो फिर हम सब आएंगे आपकी तरफ। कब गए? कल। यकीनन बिजनेस टूर होगा। जी बिजनेस टूर। सारे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अंकल मुझसे तो आप पूछ ही रहे हैं। I'm just joking. पूछे पूछे। टीना से शादी क्यों करना चाहते हो? जी? टीना से शादी क्यों करना चाहते हो? Because she loves me. उसने बताया नहीं आपको? मैं उससे नहीं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम क्यों करना चाहते हो शादी टीना से? Because I also love her. हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। फिर इतना कंफ्यूज क्यों हो? क्योंकि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। रिलैक्स हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। मामा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फुरकान चाय लगा दे, अंदर आ जाए। चलो आओ बेटा। तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं, सब खैरियत है ना? खैरियत ही तो नहीं है ना बेरा। तुम प्लीज अलिशबा को फोन करके उसकी खैरियत पूछो। क्यों? मैं और समन खाने पर गए थे, वहां सादान और अलिशबा भी मौजूद थे। सादान की परवाह ना करते हुए समन ने अलिशबा को बहुत कुछ सुना दिया। क्या कह दिया? मेरे और अलिशबा के बारे में। क्या दिमाग ठीक है इस लड़की का? बेरा प्लीज, मुझे अलिशबा की बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करती हूँ लिशपा से। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम? मैं ठीक भाभी, आप कैसी हैं? अभी फारिस की कॉल आई थी, बहुत परेशान था वो। उसने बताया मुझे जो सब कुछ हुआ। जी भाभी, अजीब बेवकूफ लड़की है वो भी। मैं उसे बाखूबी जानती हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि साधान ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं भाभी। तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना मुझसे? अरे नहीं नहीं, उन्होंने तो इस हवाले से कोई बात ही नहीं की। अच्छा तुमने परेशान नहीं होना, ठीक है? ओके वापस बाय। हेलो। तुमने ये तो बताया ही नहीं, कैसा लगा मेरे पापा से मिलके? बहुत अजीब, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी इन्वेस्टिगेशन सेल में आ गया। कम ऑन, क्या हो गया? इतने सवाल कर रहे थे वो, अगर तुम और आंटी ना आते तो मैं तो वहां से भागने वाला था। भाई अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हें सौंपनी है, इन्वेस्टिगेशन तो बनती है ना। वैसे डोंट माइंड, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा उनसे मिलकर। मुझे पता है आप तो मुझे तंग कर रहे हो, है ना? मेरे पापा बहुत अच्छे, he's so loving and so caring. Loving और caring वो तुम्हारे लिए होंगे, but I'm sorry, मैं बिल्कुल inspired नहीं हुआ उनसे। आपने उनसे inspired नहीं होना था, उन्होंने आपसे मिलके inspired होना था। बस अल्लाह करे तुम उन्हें पसंद आ गए हो। और अगर ना आया तो? अल्लाह ना करे। Can you please think positive? टीना, मैंने तुम्हें अभी एक टास्क दिया था। याद है मुझे, कल मैं जाऊंगी आंटी से मिलने। सुनो, तुम्हारी तरफ से अच्छी खबर सुननी है मुझे। तुम्हें पापा रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अलिशबा के बारे में तुमसे अच्छी खबर सुनना चाहता हूँ। अच्छा बाबा, डोंट वरी, मैं कल जाऊंगी। ओके 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 बाय।
नाराज हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है इससे तुम्हारी नाराजगी से डर लगता है? झूठ बोलती हो तुम। तुम सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस दे सकती हो। तुम मुझे सारी बातें लिश्पा की वजह से सुना रहे हो। हाँ, क्योंकि कोई भी लिश्पा का कुछ भी कहेगा ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? उसकी वजह से मेरी जिंदगी में सुकून नहीं। तुम्हारी जिंदगी में सुकून तुम्हारी अपनी वजह से नहीं है, ये तुम्हारी जहन की गंदगी है जो तुम्हें सुकून नहीं लेने देती। कितना एहसास है ना लिश्पा की तकलीफ का। काश इतना ही एहसास अपनी बीवी के दुख का भी होता। कौन सा दुख? ये सिर्फ तुम्हारी इनसिक्योरिटीज हैं जिनकी वजह से तुम बेचैन रहती हो। कितनी तड़प है ना तुम्हें लिश्पा के लिए। लिश्पा के लिए तुम्हारी ये तड़प एक दिन मेरी जान ले लेगी फारिस। तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया, वहां इतने लोग थे, लोगों को छोड़ो वहां सादान था, वो क्या सोचता होगा। एक काम करो, सादान को कॉल करके कह दो कि तुम्हारी बीवी पागल है, और अगर तब भी वो ना माने ना तो उसे बोलना लिश्पा से पूछ ले, वो तो बता ही देगी कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं था। फॉर गॉड सेक समवन। तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर, तुम्हारे दिल में लिश्पा के लिए जो मोहब्बत है ना, तुम उसे चाह के भी नहीं छुपा सकते। मोहब्बत कोई गुनाह नहीं है जो उसे छुपाया जाए, लेकिन किसी के सुकून के लिए, किसी के सुख के लिए उस मोहब्बत का प्रचार ना करने में असलियत होती है। मतलब मोहब्बत है, है ना? बोलो, जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। अगर नहीं है गुना किसी से मोहब्बत करना तो मानो ना कि सच है ये। करते हो तुम अभी भी मोहब्बत उससे? ये सच है, ये सच है कि मैं उसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि तुम्हारी फोर्स्ड मोहब्बत अलिश्पा को मेरे दिल से कभी निकाल नहीं सकी। समन तुम्हें मोहब्बत करने आई नहीं, जिसे आप मोहब्बत करते हो उसे अपने आप सौंप दिया जाता है, उसे अपनी मिल्कियत नहीं समझा जाता। क्या हुआ है, परेशान बैठे हैं? ओ, आप तो अभी से टीना के जाने की वजह से परेशान हो गए। नहीं मदिया, टीना के जाने की परेशानी नहीं है मुझे, बेटियों ने एक ने एक दिन अपने घर जाना ही होता है। तो फिर किस बात की परेशानी? मैं नहीं समझता कि सारम टीना के लायक है। सारम से मिलकर भी आपके खदशात सारम के बारे में खत्म नहीं हुए बल्कि मजीद बढ़ गए मदिया। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मुझे भी सारम में कोई बुराई नजर नहीं आती। बदिया, बाहर की दुनिया को तुम नहीं मैं जानता हूँ। ये बात टीना से मत कर दें, क्योंकि टीना तो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको सारम से मिलके बहुत खुशी हुई होगी। नहीं, मैं टीना से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं तुम्हें जरूर वार्न करता हूँ, सारम एक बहुत बड़ा चीटर है। आप किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं? जो शख्स मुझसे आंख मिला के बात नहीं कर सका वो भला मेरी बेटी को क्या खुश रखेगा। फरकान, सारम पहली दफा आपसे मिले और जाहिर सी बात है वो कैसे आपसे नजरें मिलाकर बात करता है, उसे नजरें झुकाकर ही बात करनी चाहिए थी। नजरें झुकाकर बात करने में और नजरें चुराकर बात करने में बहुत फर्क होता है मदिया। आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। सारम फ्लर्ट कर रहा है टीना से, मुझे अगर टीना के रिएक्शन का ख्याल ना होता तो मैं आज उसके साथ ऐसा कुछ करता कि वो सारी जिंदगी याद रखती। फरकान, इतनी बड़ी बात आप किस बेस पर कर रहे हैं? मतलब मुझे यकीन है कि वो अपनी फैमिली को कभी हमारे घर लेकर नहीं आएगा। क्यों, क्यों यकीन है आपको? इसी के उसने झूठ बोला है कि सादान यहाँ नहीं है। मैंने उसको ऑफिस से पता करवाया है, वो रेगुलरली अपने ऑफिस आता है।
कह रहे हैं आप? हाँ, और उसके झूठ के सिर्फ दो ही मतलब है, या तो वो अपनी फैमिली से हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहता या उसकी फैमिली से रिश्ते के हक में नहीं है। फुरकान, अगर ऐसी बात है तो कम अज कम उसे टीना को तो बताना चाहिए। अगर उसने सच बताना होता तो झूठ की नौबत क्यों आती? मैं चाहता हूँ कि टीना सारंग की रियलिटी वो जान सके। तुम ऐसा करो कि टीना से कहो कि सादान का नंबर सारंग से ले, मुझे बात करनी है उससे। क्या दूंगी? I'm sure कि वो नंबर नहीं देगा। Let's see. क्या सोच रहे हैं? आज है सोना नहीं है? फारिस के बारे में सोच रहा हूँ, काफी सुलझा हुआ लड़का है। जी, लेकिन इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है? तुमने बिहेवियर देखा था समन का, कितना रूड था। जी वो ऐसे ही है। ऑब्वियसली तुम तो अच्छी तरह जानती होगी, नवेरा भाभी की भाभी जो है। आप उसकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लिया करें। मैं तो वाकई परेशान हो गया था उसकी बातें सुनकर, मेंटली डिस्टर्ब लग गई थी। शायद। लेकिन समझ नहीं आया तुम्हारे इतने अगेंस्ट क्यों हैं? पता नहीं, फारिस कितना शर्मिंदा हो रहा था ना। अलिशबा, क्या तुम्हें मेरे इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा? एक्चुअली मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था, इसीलिए तुमसे शेयर कर ली। बट इट्स ओके, लीव इट। सादान बहुत अच्छे। अच्छा, क्योंकि मेरी बीवी समन जैसी नहीं है। वेल, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आज सो रहे नवेरा, तुमने मुझे बताया नहीं बात हुई तुम्हारी लिशपा से। फारिस, नवेरा बाहर है, आती है तो उसे कहता हूँ तुम्हें कॉल कर ले। जी। नाश्ता लगा दिया मैंने, आ जाए। हाँ तो फारिस की कॉल आई थी, उसे कॉल बैक कर लेना। ठीक है। कुछ परेशान लग रहा था, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो। पूछ रहा था कि तुम्हारी अलिशबा से बात हुई है या नहीं। आपसे पूछ रहा था? नहीं, तुम्हारे फोन पर कॉल आई थी, मैंने रिसीव कर ली। कॉल बैक कर लेना उसे। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? समान से अलिशबा की बात करने की क्या जरूरत थी? तेरी क्या सोचते होंगे वो? मैंने सारी रात फिक्र में गुजार दी। तुमने बात की अलिशबा से? की थी बात, सदान ने उससे कोई बात नहीं की। तुम यूं ही परेशान हो रहे थे। ओके, बाय। बाय। सच है कि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि तुम्हारी फोर्स्ड मोहब्बत अलिशबा को मेरे दिल से कभी निकाल नहीं सकी।
समन तुम्हें मोहब्बत करनी आई नहीं, जिसे आप मोहब्बत करते हो उसे अपने आप सौंप दिया जाता है, उसे अपनी मलकियत नहीं समझा जाता। बड़े साहब कह रहे हैं नाश्ता कर लें आप, मुझे भूख नहीं। वो परेशान हो रहे हैं आपके लिए। किसी की जरूरत नहीं मिल गया परेशान होने की। फारिस साहब भी नाश्ता किए बगैर चले गए आज। कोई बात नहीं, उसके बहुत हमदर्द है, कोई ना कोई उससे कराते। प्लीज जाओ यहाँ से। जी ठीक। समन किधर? जी अपने रूम में। उसे कहा है नाश्ते के लिए? जी वो कह रही किसी को जरूरत नहीं मेरे लिए परेशान होने की। अजीब लड़की है, रात को खाना भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं करी। चलो ठीक है तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। जी ठीक। समन चलाओ। बेटा रात को तुमने खाना भी नहीं खाया, अभी नाश्ता भी नहीं करी। जब आप जानते हैं मामू के मैंने रात से खाना नहीं खाया तो यकीनन ये भी जानते होंगे कि क्यों नहीं खाया। जानता हूं बेटा, जितना मैं चाहता हूं कि तुम दोनों में प्यार और सलूक बढ़े उतना ही उलझते हो तुम दोनों। अभी लड़ाइयां सारी जिंदगी के लिए खत्म हो गई। कहां खत्म हुई है बेटा? फारिस बगैर नाश्ते के गया है और तुम भी नाश्ता नहीं कर रहे। मामू मुझे भूख नहीं है। बेटा भूखा रहना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं, जो नसीब में लिखा होता है उसे कोई नहीं रोक सकता, इसलिए आप फिक्र ना। क्यों करती हो ऐसी बातें? क्योंकि मैं मान गई हूं, पहले सिर्फ जानती थी लेकिन अब मान गई। क्या मान लिया था? वही जो आपका बेटा मुझसे कहता है कि मैं कभी भी उसके दिल से अलिश्बा को नहीं निकाल सकती। मैं चाहे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना कर लूं उससे, उससे फर्क नहीं पड़ता। समन बेटा अगर आपकी तबीयत से तुम इतना डरती हो तो फिर चिंगारियों को हवा क्यों दे रही हो? आप फारिस की साइड ले रहे हैं, आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। मामू उसे सही कह रहे हैं। बेटा तरफदारी नहीं, तुम्हें सिर्फ एहसास दिला रहा हूं कि जो कुछ हो रहा है ना उसमें तुम्हारी भी गलती है। मेरी भी नहीं, सिर्फ मैं ही तो गलत हूँ पहले दिन से। फारिस ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। आपका बेटा तो दूध का दूध। जा रही हो? जी सारिम की मामा से मिलने जा रही हूँ। क्यों? क्यों क्या मतलब, दिल चाह रहा है? टीना तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मिलना जुलना थोड़ा सा कम कर देना चाहिए? जब तक वो लोग रिश्ता नहीं मांग लेते। रिश्ता भी मांग लेंगे मामा, आप फिक्र ना करें। बस एक बात बताऊं, तुम्हारे पापा को सारिम से मिलकर कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई? इसलिए कि पापा ने पहले से उसका इमेज अपने माइंड में बना लिया। देखो बेटा तुम्हारे पापा दुनिया जानते हैं, बड़े बड़े मामला डील करते हैं, तो इस मामले में उनकी ओपिनियन क्यों गलत होगी? मामा सारिम भी यही कह रहा था कि पापा का एटीट्यूड उसके साथ बहुत अजीब था। अच्छा बेटा अब तुम जा रही हो ना, तो सारिम के भाई का नंबर ले दिया। वो किस लिए? नहीं तुम्हारे पापा बात करेंगे ना सादान भाई से। क्यों मामा? भाई मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन बस नंबर लेते आना तुम, ठीक है ना? और ये बताओ समय से तुम्हारी बात हुई है? नहीं कुछ दिन से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मैं उसे कांटेक्ट कर लूंगी। मैं कॉल करती हूँ उसे, तो उसकी तबीयत कैसी है? मैं जाऊं? ठीक है, बाय बाय। बाय। हेलो, बिजी थी क्या बेटा? कैसी हो? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपने सेहत के बारे में बताओ मुझे, सब ठीक है ना? जी। क्या हुआ, परेशान लग रही हो मुझे? मैं यही डिजर्व करती हूँ,
मेरी जान ऐसा क्यों कह रही हो? फारिस ने कुछ कहा है तुमसे? रुको, ठीक हुआ मेरे साथ। जो उसके दिल में था आज आ गया पाए। ऐसी हालत में भी वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा है, उसे जरा एहसास नहीं है। थक गया है वो भी, आखिर कब तक एक बनावटी रिश्ता निभाएगा? बेटा तुम अपना ख्याल रखो, फारिस बहुत पछताएगा। कभी भी नहीं पछताएगा, वो आज भी अलिश्बा से मोहब्बत करता है। उसके दिल से अलिश्बा कभी गई नहीं थी आंटी, मैं कभी उसकी जगह नहीं ले सकती।